इंडिया गेट बासमती राइस राजू हाजिर हो। लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर राजू श्रीवास्तव। आज भैया आप जो बातें होंगी महिलाओं की बातें होंगी औरतों की बातें होंगी ऐसे बहुत सारे कॉमेडी जोक से भरा हुआ पिटारा मैं खोलने के लिए बेताब हूँ। और सबसे पहले आ रहे हैं जिनकी बातों पर हर कोई लगाता है ठहाके वही राजीव ठाकुर हंसाएगा यहाँ आके। हम तो ले आए, वादा किया था ले आए। अरे राजू भाई मैंने सुना आज एपिसोड कुछ मजेदार है। हाँ और औरतों का है। हाँ हाँ तो क्या बात है, मुझे बुला लिया, अकेले औरतें संभाली नहीं जाती। तो आपके अंदर जितनी कॉमेडी भरी ना आपकी छाती में ये लेडीज को लेके ये सब मैं अभी निकलवाऊंगा। फिलहाल आप वहाँ तशरीफ रखिए, जोरदार तालियों के साथ भेजेंगे राजीव ठाकुर को। और लेडीज एपिसोड में एक और महिला को बुलाने जा रहा हूँ, महिला नहीं पुरुष जैसे ही हैं, जो अपनी खोपड़ी से ठोकते हैं कील, जो अपनी खोपड़ी से ठोकते हैं कील, आ रहे सीधे पाकिस्तान से हसोड़ शकील। महिलाओं की बातें करती हैं, औरतों की बातें करेंगे। दुनिया बनी औरतों की वजह से ना। बस वहाँ तशरीफ रखें तो राजीव इंतजार कर रहे हैं। मैं लेके नहीं आया, क्या रखूं? तशरीफ जो पतली सी है सीधा बोलो ना, टिकाओ एक एक किलो की रद्दू दे। सन 1008 हो ये आज का 2008, लेडीज की सबसे बड़ी पसंद रही है शॉपिंग, और शॉपिंग के साथ साथ बार्गेनिंग। अब देखिए घर से निकली है लेने दूध, पाव किलो दूध लेने की, इतनी छोटी सी गिलसिया लेके। हस्बैंड सोच रहे अभी आ जाएंगी, आधा घंटा हो गया, एक घंटा हो गया, हस्बैंड क्या मालूम गई थी लेने दूध, लेके आएंगी भैंस। शर्ट लेने जा रही है हस्बैंड के लिए, हस्बैंड का बर्थडे वगैरह होगा, शर्ट लेने चली गई। वाली दिखाइए, अरे वो नहीं वो बाजू की, इधर की नहीं नहीं उधर की, उस तरफ की, इधर की, वो चौखाने वाली दिखाइए, अरे हल्के शेड में, अरे यू गले की, अरे वी गले की, अरे वो नहीं डब्लू गले की, अरे वो नहीं ओ शेप की, ओ बोला क्या एबीसीडी सिखाने आई हो क्या? कोई और ऑप्शन है आपके पास? अच्छा तू दिखाइए, कोई हरे शेड्स में, ग्रीन में नहीं, कोई और ऑप्शन है? बहन जी अब तो एक ही ऑप्शन है, आप यहां करो हस्बैंड बदल दो। 5 रुपए कम कराने के लिए, 2 रुपए कम कराने के लिए रिश्ता बना लेंगी। दुकानदार भी हैरान है ये कौन सी रिश्तेदारी निकल आई, अचानक आई साड़ी देख रही है। हाँ वो कांजीवरम दिखाइए, हो बनारसी जिसमें जरी का काम है, जिसमें ग्रिल लगी हुई है, जिसमें ड्रिलिंग की गई है, जिसमें तार लगे हुए हैं, इससे वो भी ऐसा घबरा रहा है। अच्छा चलो चलो ये साड़ी ठीक है, ये कितने की है? मैडम मिल जाएगी आपको 2000 रुपए की। चलो चलो 2000 रुपए की, इतना महंगा बेच रही कहां रखू कितने पैसे 2000 रुपए। अरे बहन जी अब क्या मारूं, बहन जी क्या
आप भी बहन जी, बहन जी आप देख लो उसको, दे दो आप 1800 रुपए के ले लो 1800। अब बहन बनाए तुमने, बहन के लिए ठीक प्राइस लगाओ। अभी रक्षाबंधन होके गया है, क्या बहन जी क्या अचानक बहन आ गई यार क्या, चलो चलो कम करो कम करो। मैडम क्या है इसे कम करो, अभी तो आप अचानक आ ही, अभी अभी बहन तुम ही ने बोला ना अपने मुंह से बहन। बहन कितनी बड़ी जिम्मेदारी की चीज होती है पता है, बहन बनाया है, बहन का कुछ पता है, रिलेशन का पता है, बहन का क्या होता है, बहन बहुत बड़ी बात होती है, जिम्मेदारी होती है। हाँ बहन बनाया है तुमने, हाँ तब तक इनके हस्बैंड आ गए, ये देखो तुम्हारे जीजा जी। जीजा जी क्या बहुत है, क्या होते क्या बात होती है, क्या बहुत है, हेलो एक्सक्यूज मी, क्या तू लफड़ा है, तू लफड़ा है क्या भाई, हेलो एक्सक्यूज मी, तैयार तय तो परेशान तो रहे। परेशान नहीं, तुम्हारा साला है बिछड़ा हुआ आज मिला है, देखो जीजा जी आए, अब तो कम करो। जीजा जी है ये, किसी की दुकान जाते नहीं है, जीजा जी खुद चल के साले की दुकान में आए, कोई रिश्ते का पता है, रिश्तेदारी पता है कि खाली कमाने में नोट गिनने में लगे हुए। जीजा जी है, चलो 500 रुपए की दो। क्या मैडम क्या अभी जीजा जी, हेलो हेलो जी, क्या जीजा जी बहन ए दूसरे दुकानदार लोग संभालना, मैं अकेला पड़ गया यार। अरे बहन जी 500 रुपए में कैसे देंगे, 500 रुपए में मेरे घर पे पड़ता है, चलो हम लोग घर पे आके ले जाएंगे, एड्रेस तक लिख लिया। जाने लगी तो भी बोलती है अच्छा सुनो साड़ी तो घर पे खरीद लेंगे तुमसे, जीजा जी आएंगे गिफ्ट वगैरह नहीं, ले लो रुमाल ले लो, हम तो गरीब आदमी क्या है, कौन से रिश्तेदार आ गए, तुम लोग हंस रहे हो यार, संभालो ना तुम लोग भी, ये आप रुमाल ले लो आप, बहन को ये लेडी। बहुत मजेदार शॉपिंग करती है। अब जो बहन की बात बताई, बहन विदा भी होती है, बेटी विदा भी होती है। अब देखिए एक लड़की अपनी माँ को फोन कर रही है, मम्मी ए मम्मी सुन रही हो कि फोन पटक दे, मम्मी सच्ची कहां पे हमारी शादी कर दी हो, किस किस घर में हमारी शादी कर दी हो, एक नंबर के काम चोर हैं, काम चोर है, किसी काम में हाथ नहीं बटाते, खाली सुबह 4 बजे उठेंगे पूरे घर के बर्तन मांज देते हैं बस, फिर उसके बाद उठते हैं दरी सब चादर वगैरह सब धो देते हैं, सब क्लीन कर देते हैं, उसके बाद झाड़ू लेके पूरे घर में झाड़ू वाड़ू लगा देते हैं, और बच्चों के लिए नाश्ता वाश्ता बना के उनको कपड़े पड़े पहना के स्कूल छोड़ के आएंगे बस बस ये, और एक नंबर के काम चोर हैं ये, पूरा घर धो डालती पूरा ये करते किसी काम में हाथ नहीं बटाते। माँ माँ जवाब दे रही, माँ अरे बिटिया अब वो तुम्हारे पति हैं, अब तुम्हें उन्हीं से निर्वाह करना है, हमें देखो तुम्हारे बाप को झेल रही हूं कि नहीं है, ये बुढ़ा सुबह सुबह उठता है झाड़ू लेके पूरा टेरेस वेरे बालकनी साफ करके पानी का रबड़ निकालेगा, ऐसा रबड़ निकाल के खर 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 पूरा गार्डन वार्डन में पानी आ रहा, रुक रुक के आ रहा, ऐसे आ रहा, फच 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 करेगा पूरे गार्डन में, और रात को ये बुढ़ा बिटिया बर्तन धो के सोता है, और सुबह कोई काम नहीं तो उन्हीं बर्तन फिर धो डालता है, वो करके सब हमारी धोती होती सब धो के नाश्ता वाश्ता बना के, और जैसे ही मैं नहाने बाथरूम गई ये भर्र से स्कूटर चलाएगा, और भर्र से बुढ़ा निकल जाता है, इस डर से कि मैं नहा के निकलूं और ये ना कह दूं कि पेटीकोट भी धो दो। थैंक यू।